ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करने के लिए जो सबसे महत्व की बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम लोग मुंबई को नई मुंबई से जोड़ रहे हैं, 22 किलोमीटर की सीलिंग हमने शुरू कर दी जिसका काम अगले साल पूरा होगा, इससे तीसरी मुंबई हम बसाएंगे। अभी दो मुंबई है, एक मुंबई एक न्यू मुंबई है, ये तीसरी मुंबई जो मुंबई से बड़ी मुंबई होगी, जो हमारा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है, ये न्यू मुंबई एयरपोर्ट भी हम लोगों ने ही शुरू किया है, इसका काम भी करीब 2024 के मार्च तक पूरा होगा। उसके विसिनिटी में एक नई मुंबई, ये जो नई मुंबई होगी, आज देश के सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स ये वहाँ तैयार हो रहे हैं, देश के डिजिटल इकोनॉमी का सारा केंद्र ये नई मुंबई बनेगी, और इंडस्ट्री 4.0 का भी केंद्र, ये जो सारा मुंबई का नया एरिया है, ये सारी इकोसिस्टम हमारी तैयार करेगी। साथ में हम लोग एक नया पोर्ट तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारा जो JNPT पोर्ट है, ये JNPT पोर्ट हमारा जो कंटेनर ट्रैफिक है इसका 60-65% हैंडलिंग ये JNPT अकेला पोर्ट करता है। आज हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्षमता है हमारी दुगनी हो सकती है, लेकिन JNPT पर उतनी क्षमता नहीं खड़ी हो सकती। अब जितनी भी हम कर सकते थे हम कर रहे हैं, हमको एक और बड़े पोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग वाढ़वण में एक नया पोर्ट तैयार कर रहे हैं, और ये पोर्ट की नेचुरल ड्राफ्ट जो है ये JNPT से डीप ड्राफ्ट है। ये ऐसा ड्राफ्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की बनी हुई शिप भी वहाँ पर पहुँच सकती है। और ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट हमारे महाराष्ट्र को, मुंबई को और हमारे देश को 10 साल आगे ले जाएगा, क्योंकि आज हमारा जो बॉटलनेक हुआ है, आज इतने बड़े पैमाने पर हम लोग एक्सपोर्ट इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उतने तेजी से एक्सपोर्ट करना है तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पोर्ट तैयार करेगा। JNPT से ज़्यादा क्षमता हैंडल करने की ताकत ये पोर्ट की होगी, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में हमने जो नागपुर मुंबई कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे तैयार किया है, इसकी पोर्ट कनेक्टिविटी हमने अब क्या कर दिया है कि पहले शायद मुंबई या MMR रीजन, पुणे नासिक ये पोर्ट कनेक्टेड था, अब पूरा महाराष्ट्र हमने पोर्ट कनेक्टेड कर दिया है, क्योंकि ये रोड के कारण पोर्ट की कनेक्टिविटी हमारे करीब करीब 20 जिलों तक चली जाएगी, तो एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम उसके माध्यम से हम लोग खड़े कर रहे हैं। और ये केवल एक महामार्ग नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे है, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेसवे है। जिस प्रकार से हमने देखा कि सियोल टू भूसान एक एक्सप्रेसवे बना, और आज पूरे साउथ कोरिया का की अर्थव्यवस्था वो रोड डिसाइड करता है, उसी प्रकार से ये जो रोड हमने तैयार किया है, इस रोड से आने वाले कल की पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुंबई, MMR रीजन और महाराष्ट्र ये देश की अर्थव्यवस्था की नींव है, और आने वाले दिनों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी या 40 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो भी आप बात करें, हर चीज में सबसे महत्वपूर्ण रोल ये मुंबई और महाराष्ट्र का ही होगा।